बन जाओ। अपने निकाह के दिन सखी के साथ भाग के तुम मेरे घर आओगे। आ जाओ बॉस। जो तू संग है। अजमिया मेरा फोन नहीं उठा रही है। उससे क्या मेरा फोन उठाए? पार्लर में है वो। ठीक है, जब पार्लर से आ जाए तो उसे कहेगा सीधा मेरे पास आए। तुम्हें फारा का भी एहसास नहीं है? बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। हम एक काम करते हैं बेटा, अजमिया की ये शादी किसी बहाने से कैंसिल करवा देते हैं, फिर तुम्हारे अम्मी अब्बू से बात करके तुम्हारा और अजमिया का निकाह शरीफों की तरह पढ़वा देते हैं। ठीक है? बिल्कुल नहीं। अजमिया यहाँ आके सबके सामने मुझसे माफी मांगेगी और फिर मैं मजबूरन उसे निकाह करूंगा। अब समझ गई मैं क्या चाह रहा हूँ? अच्छी तरह से समझ गई हूँ। तुम चाहते हो कि सब तुम्हारी अजमत के गुण गाएं और अजमिया बुरी बन जाए कि फिर वो अपनी शादी से भाग गई। एग्जैक्टली, उसे सजा देना तो बनता है ना? सजा तो बेटा तुम्हें अल्लाह देगा। अगर मेरा बस चले तो मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐरे गैरे से कर दूं, लेकिन तुमसे नहीं। तो करा दे किसी भी ऐरे गैरे से शादी उसकी। मेरी एक बात आप अच्छी तरह से सुन लें। अजमिया से कहें पार्लर से डायरेक्टली मेरे पास आए, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा। ये लो बॉस। क्या ये? देख लो। जो तू संग है तो क्या गम है, देखो जग ये फिर मेरा है सभी, मेरे बन जाओ। तुम रख लो अपने पास, मुझे याद करने के लिए कोई तो चीज हो तुम्हारे पास। तुम्हारे को याद रखने के लिए बहुत कुछ है बॉस। घर में जहां से भी गुजरता हूं तुम्हारी तो याद आती है। किचन से, लॉन्च से, तुम्हारी छोटी छोटी बालकनियों से, छत से। मांगा तुझको हर एक पल, छत से, पल पल की दुआ से, मुझे तू है या मिला। बॉस मेरी बात सुनो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपको फरदीन के पास नहीं लेके जाता, हम यहीं से पलट जाते हैं, कहीं और चलते हैं बॉस, तो क्या कहोगे आप? मेरी मौत लिख दी गई है, बच के कहां जाऊंगी? ए सार किस नहीं बोलना। क्यों? मरने ही तो जा रही हूं। तुमने कभी सोचा था कि तुम खुद मुझे अपने हाथों से फांसी चढ़ाने लेके जाओगे? उसमें आपको कहीं नहीं लेकर जा रहा, हम वापस जा रहे हैं। नहीं जकी, कोई फायदा नहीं है। से जुड़े बहुत से लोग हैं जिनका हमें ख्याल करना है, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन, मेरी अम्मी, भाई, भाभी। याद करोगी बॉस?
पता नहीं, मगर याद रखूंगी जरूर वो हर बात जो तुमने मुझसे कही। और जो बात मैंने नहीं कही वो हेलो अजमिया तैयार हो गई? हाँ जी, बस हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से। ठीक है, उसे घर ले आओ। जी आंटी। मैंने कहा उसे घर ले आओ। जी अच्छा ठीक है। क्या हुआ? आंटी ने घर वापस बुलाया है। अम्मी, अम्मी आप अभी तक तैयार नहीं हुई? नीचे हसन गाड़ी में इंतजार कर रहे। हाँ बस होती हूँ। अजमिया आ जाए ना, तुम ऐसा करो हसन के साथ शादी हाल पहुंचो, मैं अजमिया को लेकर आती। ठीक है अम्मी, लेकिन प्लीज जल्दी आ जाएगा, पता है बहुत देर हो गई है अब। अजमी, अजमी। अम्मी क्या हुआ, आपने मुझे घर पे क्यों बुलाया? कोई रास्ता निकल आया क्या? शायद ऐसा ही हो। तुम दो मिनट अंदर बैठो, मुझे ना जकी से जरूरी बात करनी है। ठीक है। जकी बेटा आओ जरा। बैठो बेटा। ठीक तो है आंटी? मैंने अपनी बेटी के साथ बड़ी दुश्मनी कर दी, उसे ना कहना सिखाया ही नहीं, तमीज तहजीब और अखलाकियात का दरस देते देते मैं तो ये भूल ही गई कि सबसे ज्यादा हुस्न सुलूक के मुस्तहिक तो हम खुद होते हैं। वो मेरी बेटी को जलील करना चाहता है, उसे अपनी जूती की नोक पे रखना चाहता है। मैं कैसे उसे जानू में झोंक दूं? ठीक कह रही हैं आप, काश मैं कुछ कर सकता। तुमने तो उसके लिए बहुत कुछ किया है बेटा, फरदीन से शादी के लिए मना करने से लेकर आज तक हर कदम पे तुम उसके साथ खड़े रहे। क्यों कर रहे हो सब कुछ जी? हाँ बेटा, ये सब उसके लिए क्यों कर रहे? कोई तो वजह होगी ना। इंसानियत के नाते यार। इंसानियत, इंसानियत तो बस किताबों में मिलती है बेटा, हकीकत में नहीं। मेरा बस चले तो मैं अपनी बेटी की शादी करूं ही ना, सारी जिंदगी के लिए घर बिठा के अपने पास रखूं, लेकिन ऐसा करना मुमकिन भी तो नहीं है। हाँ जी मुमकिन तो नहीं है, लेकिन ये जो फरदीन है ना आंटी, ये फरा को ढाल बना के इसी तरह अजमी बॉस को परेशान करता रहेगा। और आप खुद भी तो देखें ना आंटी, घर आके बॉस को खुश होना चाहिए, लेकिन आपने नोट किया वो तो परेशान है बहुत। तुम्हारे घर पे खुश थी? हमारे घर तो बॉस ओके हो गई थी,
आपकी नाराजगी का गम था उनको, लेकिन फिर ना वो घर में हाथ बटा लेती थी, थोड़ी सेटिंग मेटिंग कर लेती थी। मुझे लगता उनको शौक हो गया था घर की हालत बेहतर करने का। लोग उसे वहां बातें तो नहीं सुनाते थे? शुरू शुरू में, लेकिन फिर ठीक हो गया था। और फिर अजमी बॉस की आम लड़की तो है नहीं, अलग है। अब तो तुम्हारी शादी हो रही है, अब तो वो तुम्हारे घर आके नहीं रह सकती। नहीं आंटी, कोई मसला नहीं, मैं शादी रुकवा दूंगा। बॉस का जब दिल चाहे वो जितनी मर्जी देर के लिए मेरे घर में रह सकती। मैं ख्याल रखूंगा उनका और उनकी हिफाजत भी करूंगा। किस हैसियत से? क्या मतलब है आपका आंटी? आप कहना क्या चाह रही हैं आंटी? पता नहीं बेटा मैं क्या कहना चाह रही, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो दिमाग घूम रहा है। वहां हॉल में सब लोग हमारा वेट कर रहे हैं और मैं यहां बैठी ये सोच रही हूं कि अपनी बेटी को कैसे भगाऊं। लोगों की परवाह ना करें आंटी, लोग तो कब्र तक बातें सुनाते हैं। आपको इस वक्त सिर्फ यही सोचना चाहिए कि आपकी बेटी के लिए जो बेहतर है आपको वो करें। मेरी नजर में तो बस एक ही रास्ता है, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही कि कैसे कहूं। आप बोलें आंटी, क्या रास्ता आपके दिमाग में? तुम अजमी से शादी कर लो। हेलो, कहो। घर पे? तुम घर क्यों गई हो? तुम्हें तो यहाँ आना था मेरे पास। मैं आ रही हूँ। फिर से चलाकी कर रही हो ना? मैं क्यों चलाकी करूंगी तुमसे, जब मैं कह रही हूँ कि मैं आऊंगी तो आऊंगी। पीछे मत पड़ो मेरे। अपनी बकवास बंद करो, मुझे पता तो मुझे फिर से घुमा रही हो। मैं आ रहा हूँ तुम्हारी तरफ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, आना है तो आ जा। जकी बेटा आ जाओ। कहाँ रह गए थे आप लोग, और ये क्या है? बेटा ये तुम्हारा कुछ सामान और कुछ पैसे हैं, तुम्हारे काम आएंगे ना ये लंबे सफर पे जो जा रही हो। तो मैंने ना तुम्हारा जोड़ा निकाल के रख दिया, तुम जल्दी से जाओ और चेंज कर आ जाओ। परदीन का फोन आया था, वो खुद आ रहा है यहाँ। तुम उसकी धौंस में नहीं आओगी? बेटा ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, तुम बताओ कि तुम क्या चाहती हो। मैं मरना भी चाहूं तो नहीं मर सकती, वो खुद आ रहा है यहाँ। ऐसे लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं नहीं आऊंगी। उसे ना तुम पे भरोसा है, ना उसके दिल में तुम्हारी इज्जत। कोई जरूरत नहीं है उसके लिए अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करने की। अम्मी मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता है बेटा, है रास्ता। एक तरफ वो फरदीन और एक तरफ जकी। सकी? सकी कहां से आ गया बीच में? ये बीच में नहीं आया है बेटा, ये तो शुरू से तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें ही नजर नहीं आया। ये क्या कह रही हैं आप? मैं जानती हूं कि जकी के बहुत एहसानात है मुझ पे, लेकिन बेटा शादी कर लो तुम इससे। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? क्यों कर रही हैं ऐसा? क्यों बहस कर रही हैं मुझे उसके सामने? आप जानती हैं उसकी शादी होने वाली है, क्यों फंसा रही हैं उसको? पसंद करता ही है तुम्हें? संग करने और शादी करने में बहुत फर्क है। सकी, I'm sorry, अम्मी बहुत परेशान है इसलिए अम्मी ने तुम्हें। बस,
आंटी ने मुझसे पूछ के बात की। क्या हुआ है बेटा, कुछ तो बोलो। दिल चाह रहा है कि जमीन फट जाए और मैं इसमें फंस जाऊं। आज पता चला मुझे बेटियों को बोझ क्यों कहा जाता है। नहीं मेरी जान, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी और तहफ्फुज के लिए से बात की। ये अपनी जान दे देगा लेकिन तुम्हारी इज्जत पे हर्फ नहीं आने देगा। जो मेरी वजह से इसकी इज्जत पे हर्फ आएगा वो आपने बताया। इसे मैं अपने साथ जहेज में क्या लेकर आ रही हूं? मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अम्मी मेरी जिंदगी है ना, मुझे बदनामी नहीं चाहिए। मैंने अपने लिए फरदीन का इंतखाब कर लिया है। बस आप चेंज कर लो, मैं उसके घर छोड़ आता हूं। बेटा मान लो मेरी बात, सकी से शादी कर। चेंज करके आ रही हूं, फरदीन के घर छोड़ देना। हाँ हसन बोलो। अम्मी कहाँ रह गए आप लोग, इतनी देर हो गई है। सब ठीक तो है? हाँ बेटा सब ठीक है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले उनसे फोन पे बात हुई है, बारात बस पहुँचने वाली है। हाँ बस आ रही हूँ मैं। प्लीज थोड़ा जल्दी करें। अच्छा ड्राइवर तो है ना आपके पास? नहीं ड्राइवर तो नहीं है, उसे तो मैंने वहाँ हॉल में भेज दिया था। क्यों क्यों भेज दिया? आप उसको लेके अकेली आएंगी, क्या हो गया आपको? तुम फिक्र मत करो मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है जल्दी कर लें प्लीज। क्या हुआ हसन? अभी तक घर में ही बैठे। अभी तक? उनको तो डायरेक्ट सैलून से नहीं आना था यहाँ पर। पता नहीं यार मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कहाँ से जा रहे हो तुम? रोको इधर, मैं कहती हूँ रोको यहाँ पे। फरदीन का घर तो इस साइड से नहीं आता, कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? सॉरी बॉस, फरदीन की वहां पहुंचने से पहले वहां से तुम्हें निकालना था इसलिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। क्या कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसा? जकी मुझे अभी उसके घर लेके जाओ। सुनाई नहीं दे रहा, अभी लेके जाओ वहां। नहीं लेके जा रहा। तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि मैं बेबस, इसलिए कर रहे हो मेरे साथ ऐसा? नहीं बॉस, यही तो गलतफहमी है आपकी। आप बेबस नहीं हो, आपकी किस्मत आपके हाथों में है। ये अल्लाह ताला ने तकदीर की लकीरें जो है ना, ये हमारे हाथों में इसलिए लकी होती हैं कि हम अपने हाथ से अपनी किस्मत बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए मायूस नहीं होना होता हमने। मुझे तुम्हारे फलसफे नहीं सुनने। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। अभी लेके चलो मुझे। मेरे कोई बात बताओ बॉस, तुम उसके साथ रह लोगी? मेरे साथ नहीं रह सकती। चलो फर्ज करो अगर मैं गरीब ना होता तब तो कर ली थी ना मेरे से शादी। सकी तुम कितने भी अमीर क्यों ना होते मैं नहीं करती, तुम नहीं समझोगे। आदरा कितनी खुश है वो। तुम क्या चाहते हो कि मेरी वजह से उसकी बात खत्म हो जाए?
ये अपने अलावा सबकी परवाह है तुम्हारे को बॉस। अल्लाह ने अगर चाहा ना तो उससे भी अच्छा रिश्ता मिलेगा नादरा को, लेकिन अभी बड़ा मसला तुम्हारा है, इसलिए तुम मेरे को बताओ तुम करोगी मेरे साथ शादी या नहीं। बड़ी मुश्किल हो जाएगी। मेरे को कोई परवाह नहीं बॉस, हर मुश्किल का सामना करूंगा तुम्हारे साथ मिलकर मैं। तुम ये दावा इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम कुछ नहीं जानते। मैं तुम्हारे को जानता हूं बॉस, मेरे लिए काफी है। मैं बताती हूँ तुम्हें। मैंने कह दिया तो कह दिया, कुछ सुनने की जरूरत नहीं है मेरे को। तुम सिर्फ ये बताओ मेरे पे भरोसा है तुमको या नहीं। बात भरोसे की नहीं है, ऑनेस्टी की। अगर बाद में तुम्हें पता चलेगा तो तुम्हारी नजर में मेरी इज्जत दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी। नहीं, तुमने मेरे को इतना घटिया समझ रखा है। तुम नहीं जानते हो अगर मैं वहां नहीं पहुंची तो वो क्या करेगा। ये उस घटिया आदमी का हर बार तुम्हारे से पहले मेरे को लगेगा। तुम्हें डर किस बात का है? ये ऊपर अल्लाह है, नीचे तुम्हारी मां की दुआएं हैं, और फिर मैं हूं। ये आज तक तुम्हें कभी मायूस किए? अब भी नहीं करूंगा। अभी चलो। जो तू संग है, तो क्या गम है? चलो ना बस। देखो जग ये फिर मेरा है सभी, मेरे बन जाओ। आओ बैठो। अजमिया कहाँ है वो? चली गई है। कहाँ चली गई? मेरे घर? इतनी बेवकूफ नहीं है वो कि तुम्हारे घर जाएगी। वो जिस शख्स के साथ गई है वो तुमसे कहीं बेहतर है। यानी मेरी वार्निंग का आप लोगों पे कोई असर नहीं हो? ठीक है, मैं अभी जाके उसके दूल्हा को उसकी असलियत बताता हूँ, वो खुद उसे यहां वापस छोड़ाएगा। तुम बेफिक्र रहो, उसके दुल्हा को सब कुछ पहले से पता है। तुम्हारी तो बात भी हो चुकी है ना उससे। किससे? जकी से। अजमिया ने उस दो कौड़ी के दर्जी से शादी की है? वो दो कौड़ी का दर्जी तुम जैसे ब्लैकमेलर से लाख दर्जे बेहतर है। अरे ब्लैकमेलर क्या होता है ये मैं अब आपको बताऊंगा। आप दोनों किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगी। हड्डी मेरी बात कान खोल कर सुन लो, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आपने दुश्मनी की है मुझसे, ऐसी सजा दूंगा कि मरने के बाद भी नहीं भूलेंगे। आराम से हट। तुम्हारी वजह से मैंने अपनी बेटी को उसकी शादी से बकवाया, बदनाम हो गई मेरी बच्ची। क्या इतनी सजा काफी नहीं उसके लिए? इसलिए अब तुम कुछ नहीं करोगे। मत भूलो ये सिर्फ अजमिया की बदनामी नहीं पूरे खानदान की बदनामी होगी। अरे भाव में क्या खानदान, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। आपने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया है, एक हाला बनी फिरती है मेरी। अपने भांजे की परवाह नहीं की तो मैं आपकी परवाह क्यों करूं? मेरी बात सुन। हाथ मत लगाए मुझे आप। आपने मेरा पूरे खानदान के सामने सर नीचा किया ना, अब मैं आपका और आपकी बेटी का पूरी दुनिया के सामने सर नीचा करूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। मत भूलो कि उस वीडियो में तुम भी हो। शायद वो वीडियो आपने देखी नहीं है। उस वीडियो में मैं कहीं भी नहीं, उसमें सिर्फ आपकी प्यारी बेटी है। बड़ी चालाक बन रही थी ना, मजा तो अब आएगा। नहीं फर्दी, फर्दी।
आपने मेरा पूरे खानदान के सामने सर नीचा किया है ना, अब मैं आपका और आपकी बेटी का पूरी दुनिया के सामने सर नीचा करूंगा। मेहर क्या है बेटा? मेरी जिंदगी। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ ना कुछ तो रखना होगा, वरना निकाह नहीं होगा। अरे ये मेरे को दिया था मेरी अम्मा ने, बस यही एक चीज है मेरे पास। ये रख लो तुम अजमी, तुम भी कोशिश करना कि हो सके तो हर वक्त इसको पहन के रख। ठीक है अजमिया अहमद बिनते मोहम्मद अहमद, आपका निकाह जकी मुनीर वल मुनीर अहमद से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। जकी मुनीर वल मुनीर अहमद, आपका निकाह अजमिया अहमद बिनते मोहम्मद अहमद से किया जाता है, क्या आपको कबूल है? हाँ ओके, मेरा मतलब कबूल है। हसन बात सुनो। जी। टा सलमा कहाँ रह गई है? इतनी देर हो गई, अभी तक नहीं आई। पता नहीं खाला, मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई थी अम्मी से, कह रही थी कि बस पहुंचने वाली है। लेकिन फिर भी बेटा दूल्हा वाले इंतजार कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगता ना, उन्हें तो सबसे पहले यहाँ होना चाहिए था। मैं कॉल करता हूँ उन्हें। कोई फायदा नहीं हसन, मैं कब से कॉल कर रही हूँ दोनों को, कोई भी जवाब नहीं दे रहा। कहाँ भी था मैंने, फौरन पहुंचे आप। अरे कोई तो साथ होगा ना, ड्राइवर होगा, ड्राइवर को कॉल करो। नहीं खाली, वो ड्राइवर के साथ नहीं आ रही, अकेली आ रही है उसको लेकर। क्या क्या हो गया तुम लोगों की अकल को? अरे जेवरात में लदी फंदी दुल्हन के साथ अकेले? ताईजान फरदीन ने कहा था वो पहुंच जाएगा, वो भी अभी तक नहीं पहुंचा। अच्छा ठीक है, मैं फरदीन को कॉल करता हूँ और तुम बेटा घर पे कॉल करो। जी डैड। अरे कहाँ हो तुम, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? डैड मैं बाहर निकला हुआ था इसलिए नहीं उठा रहा। बाहर कहाँ हो, शादी में क्यों नहीं आ रहे? मैं आ रहा था शादी में डैड, फिर मुझे पता चला कि क्या हो गया, तो फिर अब मैं नहीं आ रहा, सीधा घर जा रहा हूँ। क्या हो गया, अजमिया के साथ कोई बात हुई है? आपको नहीं पता? नहीं मुझे तो कुछ नहीं पता।
डैड उज़्मी भाग गई है। What? जी तुम्हें कैसे पता चला कि वो भाग गई है? खाला का फोन आया था, वो बता रही थी। आप जाए ना, जाके सबको बताइए बात। मैं किसी को कुछ नहीं बता रहा। और तुम इस मामले से बिल्कुल दूर रहो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा नाम स्कैंडल में आए, समझे? इसका मतलब आप नहीं बताएंगे उसके ससुराल वालों को कि वो भाग गई और वो कैसी लड़की थी? मैं बताऊं ताकि लोग मुझसे सवाल करें कि फरदीन को कैसे पता चला? जितने मुंह उतनी बातें, मैं किसी की बकवास बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम फौरन घर आओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, समझे? और फॉर गॉड सेक डैड, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगा, और उज़्मी को तो मैं सीधा कर दूंगा। तुम फौरन घर आओ, समझे? फौरन घर आओ। अस्मिया। अम्मी, 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 हसन, हसन जल्दी आए। अम्मी, 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 क्या आंखें खोले? अम्मी, अम्मी, क्या हुआ? हसन देखिए। अम्मी, अम्मी, अम्मी प्लीज आंखें खोलिए। अम्मी क्या हुआ? पानी लेकर आओ। अम्मी, अम्मी होश में है प्लीज। अम्मी आंखें खोलिए अपनी। अम्मी पानी डालो, मैं एम्बुलेंस का फोन करता हूँ। अम्मी अज़मिया कहाँ है? तुमने मुझे दोबारा धोखा दे दिया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें सजा जरूर दूंगा। ये जो तुम्हारे पीछे पीछे फिरता है ना, एक दिन तुम्हें बीच सड़क में ऐसे छोड़ के भागेगा कि तुम इसके कदमों के निशान भी नहीं ढूंढ पाओगे। इस बार मैं अपनी बेइज्जती का बदला तुम्हारी इज्जत उछाल के लूंगा। याद रखना, फरदी, जाने दो इसको। इसे जो करना है ना ये तो करेगा, लेकिन इस तरह डर डर के जीने से बेहतर नहीं है कि इसका मुकाबला करो? और मैं तुम्हारे साथ हूं, हम हर मुश्किल का मुकाबला मिलकर करेंगे। और ये उछालेगा तुम्हारी इज्जत, तो मैं तुम्हारी इज्जत की हिफाजत अपनी जान से बढ़कर करूंगा। खाला, ये कैसा लगेगा मेरे ऊपर? अरे ये भी तुम पे बहुत अच्छा लग रहा है, और तुम पे तो हर चीज ही अच्छी लगती है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी बेटी है मेरी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अम्मा नादरा, अज़मी आई है। अरे ये तो हमें भी नजर आ रहा है कि अज़मी है, लेकिन ये सामान, ये इसको फिर तो नहीं लाया हो यहाँ पे?
लाया नहीं हूं ऐसे इस दफा। इस दफा ना इस दफा शादी कर ली हमने। हे क्या बकवास कर रहे हो, दिमाग ठीक है तुम्हारा? हाँ नादरा, ये मेरी बीवी है। अब हाजरा, अरे अम्मा अम्मा हाजरा, अजमीर ये दोनों हमें चैन से जीने ही नहीं देंगे। हाजरा पानी पी, अम्मा पानी पियो। हाजरा रुको अजमी, अरे अजमी कहाँ जा रही हो? जकी मैंने उनकी जिंदगी खराब कर दी है, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं किसी की जिंदगी बर्बाद करूं। तुम प्लीज उनको जाके कह दो कि हम मजाक कर रहे थे, मैं इतनी नफरतों का मुकाबला नहीं कर सकती हूँ। ए अजमी, मैंने क्या कहा तुमसे, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हर नफरत के सामने मैं दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। मगर तुम्हारी अम्मी, तुम्हारी बहन, तुम्हारा जकी, ए, मेरे पे भरोसा करके तो देखो, वो थोड़ा सा वक्त दो, इनको भी तो इतना बड़ा धचका लगा है ना। लेकिन मैं वादा करता हूं मैं सब संभालूंगा। करोगी थोड़ा सा भरोसा?